आर्ट्स, मेरी जिंदगी डार्क आर्ट्स को समझने में लगी है और मैंने कई अजीब ताकतों को ढूंढा भी है, लेकिन अस्थि कलश से ज्यादा ताकतवर और कुछ नहीं। ये है अंडरटेकर, इसे ताकत मिलती है अस्थि कलश से। ये दाव जबरदस्त है, इसकी तो कमर ही टूट जाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। 15 चैंपियनशिप्स और 24 रेसलमेनिया का विजेता, इसका कोई मुकाबला नहीं। ये है इनका मैनेजर पॉल बेरर, इनके कलश को थामे हुए। इस कलश से इन्हें मिलती है अजीब सी ताकत। कलश इनके पास है तो इन्हें रोकना नामुमकिन है। ये है The Undertaker। कलश को इसकी ताकत मिलती है रूहों से, और जो कोई भी कलश की ताकत पाना चाहता है, पहले उसे अपनी ताकत कलश को साबित करनी होती है। तो पहले ही सोच लो, क्या तुम में ताकत है मेरे कलश को थामने की? कलश हमें चाहिए, हमें चाहिए वो कलश। क्यों ना हम यहाँ दिन में आए, बेहतर होगा हम सुबह आए। हेलो, क्योंकि उसने यहाँ आग जला रखी है, इसने आगे के हिस्से में आग जला रखी है। बहुत बढ़िया। हेलो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो अंडरटेकर, मैं हूँ जेवियर वुड्स, हम बस आपसे मिलने आए थे। हेलो, मुझे पहचाना? मैं हूँ कोफी किंगस्टन, आपका चेहरा। मुझे तो पहचानते ही होंगे, फिर भी नाम बताता हूँ, बिग ई। यानी हम सभी आपके बच्चे ही हैं। न्यू डे, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि The new day have used Big E's strength, Kofi Kingston's high-flying acrobatics, and Xavier Woods' next-level strategy to win championship after championship. Don't forget, they also bring the power of positivity and some zany antics. हमें मालूम है आप उस कलश को कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसे उधार लेना चाहते हैं, क्योंकि हम सही सोच की ताकत और इस कलश की ताकत को मिलाना चाहते हैं ताकि कोई हमें हरा ना सके। दरवाजा खोलिए ना। दरवाजा खोलिए अंडरटेकर। अंडरटेकर, जानता था वो अंदर नहीं आने देंगे। जल्दी हिम्मत हार गए, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। रुको, बुरी आत्माओं को भले लोगों को अपनी खुराक बनाना अच्छा लगता है। जरा देखो तो, यहाँ आग जली हुई है। तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? मैंने तुमसे क्या कहा था? बहुत बढ़िया, अंदर चलते हैं। इंतजार का फल मीठा होता है। ठीक है अंकल टेकर। हेलो टेकर। अंकल टेकर, अंकल टेकर, दरवाजा खुल गया। अंकल टेकर, रुक जाओ। नहीं, डरो मत, डरो मत। ओके कोफी, हम यहाँ ऊपर हैं। ऊपर आ जाओ कोफी, हम यहाँ ऊपर हैं। ये कहीं अंडरटेकर की आवाज तो नहीं? अरे ये क्या है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये सब दिख रहा है, शायद अंडरटेकर अंदर है। चलो अंडरटेकर को ढूंढते हैं, कलश लेते हैं और निकलते हैं, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं ऊपर नहीं जाने वाला कोफी। मैं ऊपर जाता हूँ। तो फिर जाओ ना। मैं धुएं वाले तहखाने में जाऊँ? मैं इस कमरे में जाता हूँ। मजाक कर रहे हो?
हमें अलग अलग जाना होगा, इस तरह ज्यादा जगह कवर कर पाएंगे। डरने की बात नहीं है, वापस हम फिर यहीं लौटेंगे, इसलिए घबराओ मत। हाँ बिल्कुल, डरो मत, तुम बहुत बहादुर हो। शाबाश, ये कलश लेते हैं, अंडरटेकर को ढूंढते हैं, उसकी आवाज सुनो या उसे देखो तो बोलना। वाह बढ़िया पेंटिंग है अंडरटेकर। हे पॉल बेरर, अंडरटेकर ये सब क्या है? ओके ओके अंडरटेकर गिरना नहीं। ओके ये क्या है? उसे हमारी आवाज आ रही होगी। वो आ गया, ये कॉफी है। वो पहुंच गया, हमारी आवाज सुन रहा होगा। कौन है ये? अगर पता चला कि उसमें ताकत नहीं है तो क्या उसे इस बारे में पता है इन लोगों में जरूरी ताकत है कि नहीं? कॉफी, वुड्स, मदद करो मेरी। मैं आ रहा हूँ, मैं फंस गया हूँ। बाप रे, मदद करो मेरी। तुम ठीक हो? चलो इसे उठाओ आराम से। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ठीक है, हमने तुम्हें बचा लिया। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो, घबराओ मत, हमने तुम्हें बचा लिया है। ये देखो कलश, लगता है ये लॉक्ड है। अनुष्ठान शुरू हो गया है। मेरे कलश को अच्छे लोगों की रूह निगलने का शौक है। आखिरी बूंद भी टपक जाने पर तुम्हारी रूह हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। ये क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो। मजाक मत करो, इसे ऊपर उठाओ। अब जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये तो की होल है। क्या? हाँ ये की होल है। अगर हम इस कलश को खोल पाए तो शायद ये अनुष्ठान रुक जाएगा। कोफ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। पहले मैंने सबको अलग होने को कहा था, पर हमें साथ साथ रहना होगा। सही कह रहे हो। मैंने इस निशान को ऊपर वाले दरवाजे पर भी देखा था। यही नीचे वाले दरवाजे पर भी था। शायद ये निशान हमें चाबी तक पहुंचा दे। लगता है चाबी ऊपर ही होगी। कोफ, मुझे लगता है चाबी नीचे होगी। सुनो, मुझे तो यही लगता है निशान एक जैसा ही है। मेरी बात सुनो। Don't argue, man. बहस से कोई फायदा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। I don't feel good. क्यों, क्या हुआ? हमें कुछ तो करना होगा, वो भी फौरन। मुझे अपनी रूह वापस चाहिए। ठीक है, कुछ करते हैं। चलो। आ जाओ पॉल बेरर। हाँ डरावना है ना, आ जाओ ढूंढते रहो। ये पेंटिंग देख रहे हो? ओह गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे ये पेंटिंग मुझसे बात कर रही है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। आखिर ये सब है क्या? ई ई ई, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। आ जाओ आ जाओ, हमें चाबी ढूंढनी है। तैयार हो? हाँ। ये अंडरटेकर की लाइब्रेरी है। अजीब जगह है, यहाँ वो क्या पढ़ता होगा? कुछ भी पढ़े, मौत से जुड़ी कहानियाँ। हाँ।
चलो अब चाबी ढूंढना शुरू करते हैं। ये सब क्या रखा है? यहाँ जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए। इसमें एक शीशी रखी हुई है, लिखा है पावर। पावर? इसका कुछ तो फायदा होगा, संभाल कर रखो। हाँ। पता नहीं ये क्या चीज है, मैं होता तो इसे वापस रख देता, शायद जहर है। चाबी ढूंढकर यहाँ से निकलते हैं। ओके मुझे लगता है ये काम आएगी। चाबी यहीं कहीं होनी चाहिए। ये देखो। हे वुड्स, क्या हट जाओ। ओके आ गया। ओ मैं समझ गया। कुछ महसूस हुआ? ओके मतलब हमें ऊपर चढ़ना होगा। हाँ। ऐसा करो, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। सच में? बिल्कुल, तुम ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करो। तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। शाबाश, हम करीब हैं। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। ओ, शाबाश, शाबाश। देखो तुम्हारे पीछे क्या है। सुनो, थोड़ा और पीछे हटो। नहीं कोफ, हमें चाबी मिलने वाली है। ठीक है, मिली क्या? अभी काफी फासला है। बताओ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, निकालो। मैं करीब ही हूँ, थोड़ा उठाओ। मैं अंगूठों के बल खड़ा हूँ। बात नहीं बनी, पहुँच नहीं पाया। कोफ, कॉफी, कोफ, कॉफी। हाँ, कॉफी, 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 कोफ। लगता है वो नीचे चला गया। ऊपर पहुंचने का कोई और जरिया? मुझे उठाओ ऊपर। अच्छा, मेरे हाथ वो किनारा आ गया तो ऊपर चढ़ जाऊंगा। पक्की बात? हाँ, पर मुझे ऊपर उछालते हुए यहाँ पैर रखना ताकि उसका मुंह खुल जाए। ठीक है, चलो। ठीक है, करते हैं। तो ठीक है, आ जाओ। ठीक है। पकड़ लिया, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो अब इसका मुंह खोलो। यहाँ कुछ है, अपना पैर वहीं रखना। ठीक है, समझ गया। हमें चाबी मिल गई, चाबी मिल गई। नीचे उतारो मुझे। अब खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। चलो कोफ को ढूंढते हैं। हाँ। कॉफी, कोफ, कॉफी, कहाँ हो तुम? कॉफी कहाँ गया? कॉफी, वो आखिर कहाँ गया? कॉफी, कॉफी, वो हमें छोड़कर भाग गया। हाँ, शायद उसी ने पहले अलग होने की बात कही थी। कोफ, निकलने में इसकी मदद करो। कोफी, आ जाओ, आ जाओ। तुम ठीक तो हो? खड़े हो जाओ। ठीक है, शाबाश। तुम लोग क्या बात कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं, पर तुम थे कहाँ? ऐसा है कि लाइब्रेरी में एक गुप्त रास्ता है और अंडरटेकर हमें लगातार देख रहा था। ओ, मुझे यही बताना था। वैसे एक बात बताऊं, हमें चाबी मिल गई। तुम सच कह रहे हो? तुम अपने हाथों से चाबी लगाओ, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। बिल्कुल, चाबी तो लगाओ।
दूसरा आधा हिस्सा क्यों नहीं खुला? मुझे नहीं पता, इसमें चाबी घूमी नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चाबी है, जल्दी ही यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। हमें दूसरी चाबी भी ढूंढनी होगी। माय गॉड, ये क्या है? तुम ठीक हो? इसकी हालत खराब हो रही है। इसकी रूह के टपकने की रफ्तार तेज हो गई है, तो दूसरी चाबी ढूंढनी होगी और वो शायद ऊपर होगी। मैं अंडरटेकर के खेल से तंग आ गया हूँ। चलो इसे तोड़कर कलश उठा लेते हैं। नहीं, हमें प्लान के मुताबिक काम करना है। दूसरी चाबी ढूंढनी है। हाँ, उसे तोड़ देते हैं। अगर तोड़ने की कोशिश की तो कुछ बुरा होगा। दूसरी चाबी ढूंढते हैं, तब ये पूरा खुल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सही कह रहा है। हाँ, ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। हम पहुंचने वाले हैं। ये गलियारा खत्म होने वाला है। बढ़िया, हम पहुंच गए। पहुंच गए? हाँ। घर में मॉर्ग कौन बनवाता है? ये घर है अंडरटेकर का। बिल्कुल। ये सब आखिर है क्या? पता नहीं, चलो चाबी ढूंढते हैं। ये क्या है? जरा ये टैग देखो। आइज़ैक यांकम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चेक करते हैं। क्या कह रहे हो? तुम अजीब आदमी हो, इसे चेक करोगे? वो रही चाबी। लेकिन कोई इसे खुले में क्यों छोड़ेगा? देखो, ये क्या हो रहा है? धुआं है, डरो मत, इससे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं होता मतलब? मैंने इसमें अपना हाथ डाला था। धुएं में अपना हाथ डाला था? हाँ। ये अंडरटेकर का धुआं है, मैं इसे नहीं छूऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ। देखो, अंडरटेकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी कहो, मैं अंडरटेकर के धुएं से दूर ही रहूंगा। ठीक है, काम आसान लग रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, और आगे मत जाओ। देखा, कुछ नहीं हुआ। चलो चाबी लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मैं तुम्हारी रूह बचा रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, धुएं से नुकसान नहीं हुआ। क्या क्या? घूम जाओ, घूम जाओ वुड्स, घूम जाओ, घूम जाओ, घूम जाओ। वुड्स, नहीं नहीं, वुड्स, उसे बचाने चले? नहीं नहीं, सामने जो चाबी है हमें उसे लेनी चाहिए। पर ये बंदा कहाँ गया? क्या तुम धुएं के पार जा सकते हो? नहीं, इसका कोई दूसरा रास्ता होगा। सुनो, अगर मैं मेज पर चढ़ जाऊँ तो क्या तुम मुझे पुश करोगे? हाँ, कर दूंगा। ओ माय गॉड, तैयार हो? हाँ। एक, हाँ, दो, जोर लगाओ, तीन। नहीं नहीं, धुआं अब भी आ रहा है। उठ जाओ, हमने अभी आधी दूरी तय की है, अब मैं क्या करूं? सुनो, पाइप्स का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। जल्दी करो, हिम्मत जवाब दे रही है। शाबाश, तुम ठीक तो हो? धुआं बढ़ता जा रहा है, ज्यादा देर हिम्मत नहीं रख पाऊंगा। जल्दी पकड़, छूट रही है। बहुत अच्छे, तुम पहुंचने ही वाले हो, बस थोड़ी दूर और। चाबी मिल गई, धुआं हटने लगा है। बहुत बढ़िया,
हम कामयाब हो गए। टीम वर्क यही होता है। टीम वर्क यही होता है। हमें चाबी मिल गई। चाबी मिल गई है तो हमें उस कलश को भी लेना होगा और वुड्स को भी। सही कह रहे हो, चलते हैं। चलो करते हैं। एक्स। हेलो वुड्स। एक्स वुड्स। अरे वुड्स, तुम जिंदा हो? ठीक तो हो? इसे उठाते हैं। तुम थे कहाँ? तुम अंदर क्यों थे? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। देखो देखो, चाबी मिल गई। लगता है चाबियां साथ साथ ही लगेंगी। हाँ, निकलते हैं यहां से। चलो चलता है। चाबी लगनी चाहिए। लग जाओ, लग जाओ। खुल जा सिमसन। तुम ठीक हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब इस कलश को लेते हैं और यहां से निकलते हैं। इतनी जल्दी नहीं। अगर तुमने इस कलश को हाथ भी लगाया तो डर के मारे तुम्हारी हवा खुश्क हो जाएगी। ओके, देखते हैं। कैसे हो दोस्त? सुना है तुम्हें मकड़ियां अच्छी नहीं लगती। देखो, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं इससे। अच्छा? नहीं नहीं नहीं, पर ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। तुम्हें मुझे ज्वाइन करना होगा। जरा सोचो, तुम ताकतवर हो, तुम्हें न्यू डे की जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर अंडरवर्ल्ड पर राज कर सकते हैं। हाँ करोगे तो ये चीज फौरन हट जाएगी। तो बोलो, मकड़ियों के साथ ही रहोगे? नहीं। तो फिर क्या है जवाब? मैं अपने दोस्तों के साथ दगा और तुम्हारे साथ यारी कभी नहीं करूंगा। मैं निराश हूं। नहीं, सकारात्मक सोच के जरिए मकड़ियां भी दोस्त बन सकती हैं। सही सोच के जरिए मकड़ियां भी दोस्त बन सकती हैं। हेलो हेलो, क्या ये तुम हो? हाँ वुड्स। कोफ, हम कहाँ हैं? शायद मैं ताबूत में हूँ। हमें यहाँ से निकलना होगा। ओ माय गॉड, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है।
और तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ मेरा कलश। अगर कलश चाहिए पहले मुझे हराओ। पहले कौन आएगा? एक एक करके। हाँ संभल जा। हमें कलश पाने के लिए एक साथ लड़ना होगा। बस इतनी ताकत? तुम लोग इस कलश को लेने आए थे ना, अब जरा अपनी हालत देखो। मैं तो बिग ई की रूह को लेकर ही खुश हो जाता, लेकिन अब मैं तुम तीनों की ही रूह ले लूंगा। मौका था तो निकल जाते, पर अब अनुष्ठान पूरा होगा। मजा आ गया। क्या ये मर गया? मैं मरता नहीं हूं। चेंज दो, चेंज दो, मुझे चेंज दो, जल्दी लपेट दो इसे। इसे पकड़ो ही, यहाँ से निकलते हैं। कलश को मत छूना, हमें ये नहीं चाहिए, इसे बर्बाद कर दो। नहीं, हम इसी के लिए यहाँ आए थे, ले लो इसे। तुम इसे बर्बाद नहीं कर पाओगे, तुम में इतनी ताकत नहीं। अब अंडरटेकर बंद गया, चलो कलश ले ले। ये आखिरी मौका है, बर्बाद कर दो इसे, हमें वक्त नहीं गंवाना है, जल्दी करो। छोड़ दो मुझे, जल्दी, हम इसे थाम नहीं पा रहे। थाम भी नहीं पाओगे।
कलश निकल गया, पकड़ो इसे, उठाओ उठाओ उठाओ। तुम ठीक हो? हम बाहर आ गए, हम बाहर आ गए। ए कोफ, हम निकल आए। कलश कहाँ है? शायद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। शुक्र है हम जिंदा हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से, इस तरफ चलते हैं, इस तरफ। मेरे कलश को लेने के लिए तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। अब तुम जान गए कि इसकी शैतानी ताकत पर काबू नहीं पा सकते। ये कलश तब तक रूहों को निगलता रहेगा जब तक इसे बर्बाद नहीं कर दिया जाता, जब तक मुझे रोकने की ना सोचो। पावर वाले शीशी नहीं, ई पी जाओ इस बोतल को। ये तुम्हें कहां मिल गई? इसे रोक नहीं पा रहे, पकड़ो इसे। बहुत पछताओगे, इसकी कीमत चुकानी होगी। ठीक हो? Good. मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? ठीक हो कॉफ? ये कहाँ चला गया? वो गया, भाग गया। अंडरटेकर दिखाई नहीं दे रहा है, और कलश भी। वो गया, भाग गया। New Day Rise, New Day Rise, New Day Rise. ये पहले खुला हुआ नहीं था ना? आ जा, आ जा। निकलते हैं यहां से। चलते हैं। हमने अंडरटेकर को हरा ही दिया। तुम्हें रूह वापस मिल गई? हाँ बिल्कुल। कलश को भी तबाह कर दिया। हाँ तुम्हारी पीठ थपथपानी चाहिए। अरे बस बहुत हुआ, रुक जाओ। तुम शाबाशी के हकदार हो, तुम्हारी पीठ थपथपानी चाहिए। पता है क्या है? ये है न्यू डे। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे ग्रुप का नाम है। बिल्कुल हाँ। ये कमाल है हाँ। ये रात में नाम रखा, अंडरटेकर से लड़े, तुम्हें रूह वापस। चलो चलते हैं। चलो निकलते हैं, मजा आ गया। हाँ हम जीत कर यहाँ से निकले हैं, अब मुझे अकेला मत छोड़ना। चलो। मुझे तुमसे पूछना था कि जब कलश छुआ तो कुछ हुआ था? बहुत सारी मकड़ियाँ आ गई थी। ओके, मैंने कहा था वहाँ नहीं जाना चाहिए था। पर तुमने ठीक कहा था। हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी हूँ, मैं आसानी से हार नहीं मानता। चलो जान बच गई। इतनी जल्दी नहीं, अगर तुमने इस कलश को हाथ भी लगाया तो डर के मारे तुम्हारी हवा खुश्क हो जाएगी। ओके, देखते हैं।
कोफी। हेलो। हेलो। हम तुम्हें देखते रहते हैं। मैं यहीं पर हूँ। तुम्हारे दोस्त तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं। सबसे कमजोर। वो तुम्हें कमजोर मानते हैं और ये कलश तुम्हें ताकतवर बनाएगा। तुम्हें दोस्तों की जरूरत नहीं, तुम ही इसे ले लो। ले लो। तुम यहाँ आए क्यों? तुम उन्हें गलत साबित कर सकते हो, तब तुम ताकतवर बन जाओगे। तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की जरूरत नहीं रहेगी। वो तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं सुनोगे? कॉफी कहाँ है? वो हमें छोड़कर चला गया। तुम्हें कोई पसंद नहीं करते? हाँ, शायद तुम्हारे जीतने की कभी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो हमेशा के लिए यहीं पर फंसा रह जाएगा। पता था उससे नहीं होगा। समझ नहीं आता हम ये काम कर ही क्यों रहे हैं। इसकी कोई वजह ही नहीं है तो इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। तुम्हारी सीमा यही है। अब तुम में पहले वाली हिम्मत नहीं रही। लगता है कि अब तुम लापरवाह हो गए हो, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, चुप। कॉफी, कलश ले लो। कॉफी, इन्हें गलत साबित करो। शाबाश। तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। वुड्स, कोफ, हम कहाँ हैं? शायद ये एक ताबूत है। हमें निकलना होगा यहाँ से। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? कलश हमें चाहिए। हमें चाहिए वो कलश। क्यों ना हम यहाँ दिन में आए, बेहतर होगा हम सुबह आए। हेलो। क्योंकि उसने यहाँ आग जला रखी है। कम ऑन। मैंने जिंदगी में इतनी लंबी सीढ़ियां नहीं देखी। आखिर ये सब क्या है? समझ नहीं आ रहा। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे नफरत है दरवाजों से। अंडरटेकर, टेकर, हेलो। तम जगहें अच्छी नहीं लगती। यहां तो ठंड भी ज्यादा है। सब ठीक है, बस धुआं है, इससे नुकसान नहीं होगा। कॉफी, वुड्स, ई, मदद करो, मेरी मदद करो। ई, कहाँ हो तुम? ये चीज तो मुझे चाहिए। ये जगह काफी खास है। ये क्या है?
टेकर का सिंहासन बहुत बढ़िया। वाह क्या बात है, कमाल की चीज है, बैठकर अच्छा लग रहा है, मजा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, खुद को राजा जैसा महसूस कर रहा हूँ। कॉफी, वुड्स, मदद करो मेरी, मदद करो, निकालो मुझे। मैं फंस गया हूँ, ये क्या हो रहा है? Nice, मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा। ये देखो। Hey, Woods. Woods. क्या? हट जाओ। ओके। अभी काफी फासला है। मेरे अंगूठे में दर्द हो रहा है। थोड़ा और उठाओ। और ऊपर नहीं उठा सकता। इतना कैमरा कौन लगाता है? कॉफी, कॉफी। ओके अंडरटेकर, मुझे नहीं पता ये कैसे आ गया, मैं तो लाइब्रेरी में था, मैंने वहां एक किताब छुई और नहीं Your choice. तुम्हारे नतीजे तुम्हें बस यहीं तक ला सके हैं, लेकिन कलश तुम्हें एक और मौका दे सकता है। अगर तुम अकेले ना होते तो शायद बेहतर रहता। अंडरटेकर के घर आकर उससे कलश लेना, मेरा दिमाग खराब हो गया था, बकवास आइडिया था। वो हमें छोड़कर भाग गया है क्या? हाँ शायद, सबसे पहले उसी ने अलग होने की बात कही थी। कॉफ, निकलने में इसकी मदद करो। कॉफी आ जाओ, आ जाओ, तुम ठीक तो हो? ठीक है। खड़े हो जाओ, शाबाश।
तुम लोग क्या बात कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं, पर तुम थे कहाँ? ऐसा है कि लाइब्रेरी में एक गुप्त रास्ता है और अंडरटेकर हमें लगातार देख रहा था। ओह, मुझे यही बताना था। वैसे एक बात बताऊं, हमें चाबी मिल गई। तुम सच कह रहे हो? तुम अपने हाथों से चाबी लगाओ, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। बिल्कुल, चाबी तो लगाओ। कॉफी, कॉफी, कॉफी। कहाँ है ये? कॉफी, कॉफ, कॉफी, कॉफ। वो हमें छोड़कर भाग गया। हाँ, शायद उसी ने पहले अलग होने की बात कही थी। कॉफी, आ जाओ, आ जाओ। निकलने में इसकी मदद करो। तुम ठीक तो हो? खड़े हो जाओ। शाबाश, आ जाओ, आ जाओ। तुम लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, पर तुम थे कहाँ? ऐसा है कि लाइब्रेरी में एक गुप्त रास्ता है और अंडरटेकर हमें लगातार देख रहा था। ओह, मुझे यही बताना था। वैसे एक चीज दिखाऊं? मेरे पास एक सरप्राइज है। एक मिनट, मुझे कुछ दिखाना है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। लगता है ये चाबियाँ साथ साथ ही लगेंगी। हाँ हाँ, बढ़िया। हाँ चलो यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं यहाँ से। बिल्कुल। कॉफ, कॉफी, आ जाओ, आ जाओ। निकलने में इसकी मदद करो। आ जाओ, आ जाओ। तुम ठीक तो हो? खड़े हो जाओ। शाबाश। तुम लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, तुम थे कहाँ पर? ऐसा है कि लाइब्रेरी में एक गुप्त रास्ता है और अंडरटेकर हमें लगातार देख रहा था। ओह, मुझे यही बताना था। वैसे एक चीज दिखाऊं? यह है एक सरप्राइज। रुक जाओ, रुक जाओ। चलो निकलते हैं यहाँ से। मुझे लगता है चाबियां साथ ही लगेंगी। हाँ हाँ, वाह। हाँ हाँ, निकलते हैं यहाँ से। चाबी लगा के देखते हैं। चलो निकलते हैं। सही कह रहा है। हाँ चलो, आ जाओ। ठीक है। नहीं प्लीज, ऐसा मत करो। नहीं, कोई मदद करो। ये क्या था? पता नहीं। जल्दी से दूसरी चाबी ढूंढकर यहाँ से निकलते हैं। धुएं से कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। घूम जाओ, घूम जाओ, वर्ड, घूम जाओ, घूम जाओ, घूम जाओ। बचाओ वर्ड। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तुम्हारे दोस्तों ने नीचे अकेले कैसे आने दिया?
कमाल है वो धुएं में तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया। क्या वो वाकई तुम्हारे दोस्त हैं? बोलो, हो सकता है वो कलश खुद ही हड़पना चाहते हो। वाह, चलो अब चाबी ट्राई करते हैं। वुड्स, तुम जिंदा हो? वुड्स, तुम थे कहाँ? यहाँ अंदर क्यों थे? मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। बताओ तुम इस कमरे में क्यों थे? लेकिन इस धुएं में मत जाना, ये धुआं खतरनाक है। ओके, अब जरा ये देखो, हमें चाबी मिल गई है, मजा आ गया। हम इसे कलश में लगाने ही वाले थे, चलो लगाते हैं। जल्दी करो। दूसरा आधा हिस्सा क्यों नहीं खुला? मुझे नहीं पता, इसमें चाबी घूमी ही नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चाबी है, जल्दी ही यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। हमें दूसरी चाबी भी ढूंढनी होगी। माय गॉड, ये क्या है? तुम ठीक हो? इसकी हालत खराब हो रही है। इसकी रूह के टपकने की रफ्तार तेज हो गई है, तो दूसरी चाबी ढूंढनी होगी और वो शायद ऊपर होगी। मैं अंडरटेकर के खेल से तंग आ गया हूँ, चलो इसे तोड़कर कलश उठा लेते हैं। नहीं, हमें प्लान के मुताबिक काम करना है, दूसरी चाबी ढूंढनी है। हाँ, उसे तोड़ देते हैं। अगर तोड़ने की कोशिश की तो कुछ बुरा होगा, दूसरी चाबी ढूंढते हैं तब ये पूरा खुल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई है? हेलो, मुझे बाहर निकालो। ओ गॉड, मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, लेकिन मुझे ज्वाइन करो और अपने दोस्तों कोफी और बिग ई को हराने में मेरी मदद करो। क्या कोई है? फैसला तुम्हारा है। मैं दोस्तों को धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये तुम हो? हाँ, वुड्स। कोफ, हम कहाँ है? शायद ये एक ताबूत है, हमें निकलना होगा यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा कहा मानूंगा, बस मुझे बाहर निकालो। मेरे दोस्त, तुमने सही फैसला किया है, लेकिन कलश का पेट भरने के लिए मुझे अब भी एक रूह चाहिए, और ये शायद तुम्हारी होगी। बिग ई की रूह अब मेरी है, अब मैं उसे हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बना दूंगा। कलश के जरिए मैं इस भयानक सपने को कायम रख सकता हूँ, यानी अगर तुम्हें और डर झेलने की ताकत है तो झेलो, मर्जी तुम्हारी। ओह
ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा कहां मानूंगा, बस मुझे निकालो। तुमने सही फैसला किया है। जब दोस्तों से दगाबाजी का वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। हेलो हेलो ई, ये तुम हो? हाँ, बुद्ध कोफ। हम कहाँ हैं? शायद ये एक ताबूत है, हमें निकलना होगा यहाँ से। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। और तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ मेरा कलश। अगर कलश चाहिए पहले मुझे हराओ। तुम इसे लेने आए थे ना बेवकूफ? अब मैं तुम तीनों की रूहें छीन लूंगा। मौका था तो निकल जाते, पर अब अनुष्ठान पूरा होगा। ये मर गया। मैं मरता नहीं हूं। चेंज लाओ जल्दी, मुझे चेंज दो, इसे लपेट दो। वुड्स, ये सही समय है, तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है अंधेरे में। शाबाश। वुड्स, वुड्स नहीं, वुड्स नहीं, खत्म करो। नहीं। अब जेवियर की रूह मेरी है। अगर तुम अपने ही डर को नहीं जीत पा रहे तो मेरे कलश को कभी नहीं थाम पाओगे। उम्मीद है तुम ये बेवकूफी दोबारा करोगे। चल हट। हमें साथ में करना होगा। बस इतनी ताकत? मैं देखता हूं। ऐसे जीतेगा, तुझमें कोई दम नहीं। हमें कलश पाने के लिए एक साथ लड़ना होगा। बस इतनी ताकत? तुम इसके गुस्से से बच नहीं सकते, दूर रहो। नहीं, इसे मार दो ई, इसे मार दो ई, खत्म कर दो इसे।
नहीं, उठा लो जल्दी। तुम ठीक हो? हम बाहर आ गए, हम बाहर आ गए। hey. कोफ, हम निकल आए। कलश कहाँ है? शायद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। शुक्र है हम जिंदा हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से, इस तरफ चलते हैं, इस तरफ। मुझे तुमसे पूछना था कि जब तुमने कलश छुआ तो कुछ हुआ था? अचानक बहुत सारी मकड़ियां आ गई थी और उनका आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। पता नहीं कहां से आ गए। तुम्हारी चीख सुनी थी। हाँ। कलश को छूने पर पहली बार क्या हुआ था? बेशक तुम जिंदा बच गए, लेकिन अपने गलत फैसलों से तुम मेरे कलश को बर्बाद करने में नाकाम रहे। उम्मीद है तुम ऐसी बेवकूफी फिर करोगे। जब कायर अपने डर का शिकार होते हैं तो उन्हें देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। अंडरटेकर ने कहा था उसके घर में बहुत सारे राज मौजूद हैं। क्या हम उन सब के बारे में जान चुके हैं? इसमें एक शीशी रखी हुई है, लिखा है पावर। पावर? इसका कुछ तो फायदा होगा, संभाल कर रखो। हाँ। पता नहीं ये क्या चीज है, मैं होता तो वापस रख देता, शायद जहर है। चाबी ढूंढ कर यहाँ से निकलते हैं। ओके, मुझे लगता है ये काम आएगी। तुम ठीक हो? हम बाहर आ गए, हम बाहर आ गए। खूब, हम निकल आए। कलश कहाँ है? शायद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। शुक्र है हम जिंदा हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से, इस तरफ चलते हैं, इस तरफ। मेरे कलश को लेने के लिए तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। अब तुम जान गए कि इसकी शैतानी ताकत पर काबू नहीं पा सकते। ये कलश तब तक रूहों को निगलता रहेगा जब तक इसे बर्बाद नहीं कर दिया जाता। और जाहिर है तुम में इतनी ताकत नहीं है। तुम ठीक हो? हम बाहर आ गए, हम बाहर आ गए। खूब, हम निकल आए। कलश कहाँ है? शायद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। शुक्र है हम जिंदा हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से, इस तरफ चलते हैं, इस तरफ। मेरे कलश को लेने के लिए तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। अब तुम जान गए कि इसकी शैतानी ताकत पर काबू नहीं पा सकते। ये कलश तब तक रूहों को निगलता रहेगा जब तक इसे बर्बाद नहीं कर दिया जाता। और जाहिर है तुम में इतनी ताकत नहीं है। हम बाहर आ गए, हम बाहर आ गए। खूब, हम निकल आए। कलश कहाँ है? शायद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। शुक्र है हम जिंदा हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से, इस तरफ चलते हैं, इस तरफ।
मेरे कलश को लेने के लिए तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। अब तुम जान गए कि इसकी शैतानी ताकत पर काबू नहीं पा सकते। ये कलश तब तक रूहों को निगलता रहेगा जब तक इसे बर्बाद नहीं कर दिया जाता। मुझे बाहर निकालो। और जाहिर है तुम में इतनी ताकत नहीं है। तुम ठीक हो? हम बाहर आ गए। हे कोफ, हम निकल आए। कलश कहाँ है? शायद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। शुक्र है हम जिंदा हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ। मेरे कलश को लेने के लिए तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। अब तुम जान गए कि इसकी शैतानी ताकत पर काबू नहीं पा सकते। ये कलश तब तक रूहों को निगलता रहेगा जब तक इसे बर्बाद नहीं कर दिया जाता, जब तक मुझे रोकने की ना सोचो। हम बाहर आ गए। कोफ, हम निकल आए। कलश कहाँ है? शायद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। शुक्र है हम जिंदा हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ। मेरे कलश को लेने के लिए तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। अब तुम जान गए कि इसकी शैतानी ताकत पर काबू नहीं पा सकते। ये कलश तब तक रूहों को निगलता रहेगा जब तक इसे बर्बाद नहीं कर दिया जाता। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जब तक मुझे रोकने की ना सोचो। हम बाहर आ गए। कोफ, हम निकल आए। कलश कहाँ है? शायद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। शुक्र है हम जिंदा हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ। मैंने जब कलश को पहली बार छुआ तो दोस्ती की ताकत को भूल ही गया। कमाल है। अहमियत इस बात की है कि हम सब जिंदा बच गए। सही कहा। तुम्हारी चीख सुनी थी। हाँ। कलश को छूने पर पहली बार क्या हुआ था? बेशक तुम जिंदा बच गए, लेकिन अपने गलत फैसलों से तुम मेरे कलश को बर्बाद करने में नाकाम रहे। उम्मीद है तुम ऐसी बेवकूफी फिर करोगे। जब कायर अपने डर का शिकार होते हैं तो उन्हें देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। अंडरटेकर ने कहा था उसके घर में बहुत सारे राज मौजूद हैं। क्या हम उन सब के बारे में जान चुके हैं? तुम ठीक हो? हम बाहर आ गए। कोफ, हम निकल आए। कलश कहाँ है? शायद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। शुक्र है हम जिंदा हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ। चीख सुनी थी। हाँ। कलश को छूने पर पहली बार क्या हुआ था?
जिंदा दफन होने में मजा थोड़े ही आता है। जब मैंने पहली बार कलश छुआ तो मुझे बेशक तुम जिंदा बच गए, लेकिन अपने गलत फैसलों से तुम मेरे कलश को बर्बाद करने में नाकाम रहे। उम्मीद है तुम ऐसी बेवकूफी फिर करोगे। जब कायर अपने डर का शिकार होते हैं तो उन्हें देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। अंडरटेकर ने कहा था उसके घर में बहुत सारे राज मौजूद हैं। क्या हम उन सब के बारे में जान चुके हैं? हम जीत कर यहाँ से निकले हैं, मजा आ गया। अब मुझे अकेला मत छोड़ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो। मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी। हाँ। जब तुमने कलश को छुआ तो क्या हुआ था? जिंदा दफन होने में मजा थोड़े ही आता है। मैंने कहा था ना, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी हूँ, मैं आसानी से हार नहीं मानता। तुम हमेशा ठीक कहते हो। हम जीत कर यहाँ से निकले हैं, मजा आ गया। अब मुझे अकेला मत छोड़ना। नहीं बिल्कुल नहीं। चलो। कूफ, हमने जैसा टीवी में देखा था वैसा बिल्कुल नहीं था, है ना? टीवी की हर बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, खुद पर यकीन करना होता है। मैंने कहा था वहाँ नहीं जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी हूँ, मैं आसानी से हार नहीं मानता। तुम हमेशा ठीक कहते हो। तुम्हारी रूह बाल बाल बच गई है और कलश ने तुम्हें भ्रष्ट भी नहीं किया है। तुम्हें सलाम करने के लिए मैं उतारता हूं अपना है। तुम अपने दोस्तों को छोड़ने को तैयार तो हो, लेकिन तुम कलश को नहीं संभाल सकते। तो अंडरवर्ल्ड में मेरे वफादार कारिंदों में शामिल हो जाओ। कोफी सबसे बड़े डर का सामना नहीं कर पाया। कलश के जरिए मैं इस भयानक सपने को कायम रख सकता हूँ, यानी अगर तुम्हें और डर झेलने की ताकत है तो झेलो, मर्जी तुम्हारी।